हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिल से फूडी रे। आज हम कच्चे केले को यूज़ करके एक बहुत ही क्रिस्पी टिक्की बनाएंगे, जो बाहर से कुरकुरी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होगी। और यही नहीं, हम इन्हीं टिक्कियों से एक बहुत ही चटपटा सा चाट बनाएंगे, जिसे खाकर आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। चाट खाना सभी को पसंद है, लेकिन अक्सर चाट बनाने में जो टिक्कियाँ यूज़ होती है, उन्हें डीप फ्राई किया जाता है। आज की चाट रेसिपी में हम आलू की टिक्कियाँ नहीं, कच्चे केले की टिक्कियाँ बनाएंगे, जो बहुत हेल्दी होती हैं, और हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो एंड तक देखें, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दें। कच्चे केले की टिक्की बनाने के लिए हम दो कच्चे केले ले लेंगे और इसका ऊपर और नीचे का हिस्सा काट देंगे। अब कच्चे केले को दो हिस्सों में काट दें। प्रेशर कुकर में कच्चे केले को डाल दें। एक कप पानी डाल दें। सिर्फ एक सीटी आने तक प्रेशर कुक कर लें। चाकू से चेक कर लीजिए कि हमारे जो कच्चे केले अच्छे से कुक हुए हैं कि नहीं। हल्का सा ठंडा कर लें और इनके छिलके उतार दें। मिक्सर जार में आधा कप भुने हुए चने ऐड करें और इसे एक स्मूथ पाउडर में ग्राइंड कर लें। हमारा भुने हुए चने का पाउडर तैयार है। हम इसी भुना हुआ चने का पाउडर यूज करेंगे अपने टिक्कीज को बाइंडिंग देने के लिए, और हम कॉर्नस्टार्च या ब्रेड क्रम्स का यूज नहीं करेंगे। बॉइल किए गए कच्चे केले को ग्रेट कर लें। इसमें एक टेबलस्पून हरी मिर्च डालें, एक टेबलस्पून अदरक, आधा कप प्याज डालें, स्वाद के अनुसार नमक डालें, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालें, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच भुने जीरे का पाउडर और थोड़े फ्रेश धनिया पत्ते भी ऐड कर दें। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब एक चौथाई कप भुने हुए चने का पाउडर ऐड कर दें। अब दो चम्मच चावल का आटा भी ऐड कर दें, जिससे हमारी टिक्कियां बाहर से बहुत क्रिस्पी बनेंगी। अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए, हमारा टिक्की का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। हथेली पर थोड़ा सा तेल लगा लें, थोड़े से मिक्सचर को ले और इसे हथेली में रोल करके एक बॉल सा बना लें। हल्का सा दबाकर एक टिक्की का शेप दे दें। सारी टिक्कियों को ऐसे ही बनाकर रेडी कर लें। पैन में दो बड़े चम्मच तेल गरम कर लें और टिक्कियों को गरम तेल के ऊपर रख दें। अब टिक्कियों को अलटते पलटते हम तब तक पकाएंगे जब तक ये दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन एंड क्रिस्पी ना हो जाएं। हमारे क्रिस्पी कच्चे केले की टिक्की तैयार है और अब हम चाट की असेंबली करेंगे। कच्चे केले की टिक्कियों को एक प्लेटर पर अरेंज कर दें। टिक्कियों के ऊपर फेटा हुआ दही डालें। खट्टी मीठी इमली की चटनी डालें। तीखी हरी चटनी डालें। कटे हुए प्याज डालें।
कटे हुए टमाटर डालें। कटी हुई हरी मिर्च डालें। थोड़ा सा काला नमक छिड़क दें। भुने जीरे का पाउडर स्प्रिंकल कर दें। थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर दें। अब थोड़ा नायलॉन सेव भी ऐड कर दें। फ्रेश धनिया पत्ते भी ऐड कर दें। और आखिर में बीटरूट के पतले पतले लच्छे काटकर सजा दें। हमारा डेलिशियस चटपटा हेल्दी कच्चे केले की टिक्की चाट बनकर बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। बिल्कुल कम तेल में शैलो फ्राई किए गए ये कच्चे केले की टिक्की चाट बहुत ही हेल्दी है और चटपटा तो बहुत ही है, जो बच्चों से लेकर बड़ों को सबको पसंद आएगा, ये मेरी गारंटी है। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दें ताकि मैं जब नया वीडियो पोस्ट करूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अब मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक कीप वॉचिंग दिल से फूडी रे। बाय।